ये देखें जी, ये केचप डाली जा रही है इसके ऊपर। सलाद पहला छोड़ ले। ये देखें जी, ये सलाद भी डाल दिया इन्होंने। ये देखें जी, ये कलर डाला जा रहा है इसके ऊपर, जरदा रंग जिसे बोलते हैं। ये वाइट चावल डाले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज सब लोगों को पहले नंबर पे तो जुमा मुबारक। आज रमजानुल मुबारक का चौथा जुमा है और जो है 23वां रोजा। क्यों समर भाई? 23वां रोजा आज। तो आज फिर क्या आपका प्लान है फिर? भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र से करम फजल से आज तैमो वाली बिरयानी बन रही है और साथ साथ उसके फल वगैरह समोसे पकोड़े इस तरह की चीजें सारी। आज जी समर भाई आज जो है गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है जफीर भाई, ये वो पानी का क्या प्लान है? गर्मी बहुत है यार, ये देखे ख्याल में बहुत ज्यादा। ये देखे मौसम कितना टेम्परेचर होगा। पिछले जुमे समर भाई जो 3 जुमे हमने वफ्तारी की है, बड़ा बड़ेदार मौसम था और रमजान का भी नहीं पता चला। अभी जो है ना गर्मी हो गई है तो, लेकिन आज सफर भाई तय वाली बिरयानी बनानी है और साथ मुर्गी की जो है बिरयानी बनेगी और साथ बजूरी जो है ना समर भाई टैंग जो है कैंसिल करें। बजूरी का जो जिस तरह ये मौसम है ना, ये बजूरी का शरबत बनाएंगे और साथ कोई फल वगैरह खरबूजा बहुत है ठीक है, खरबूजा लेके आते हैं, खजूर वगैरह तो हो जाएगी, टिक्कियां भी और पकोड़े भी इंशाल्लाह ताला आज सब आपको साथ सामने सारा बनाएंगे और आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। आप हमारे पहले व्लॉग भी देखें, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा तो हम जी लेने जी आलू, वो कहते हैं जी तैयारी के भी डाल ले ठीक है। आलू चाहिए और आलू, ये हाई साहब से पूछ लेते हैं कितने आलू चाहिए। हाई साहब आपको कोई तजर्बा है कोई देख का, तो कितने आलू पड़ जाएंगे? 3-4 किलो जी। हाँ साहब दो रहे हैं कि जी 3-4 किलो आलू पड़ जाएंगे उसके अंदर। समर भाई आप 5 किलो आलू ले। 5 किलो आलू दे आ जाए। ये साहब की शॉप है इधर जी, मुनासिब रेट में चीजें मिलती है। ये सारा मंडी है जी। समर भाई 5 किलो करने हैं। 5 किलो हाँ, 5 किलो आलू है साहब। भाई साहब का तजर्बा बहुत है जी, भाई साहब का तजर्बा बहुत है माशाल्लाह। चलो अच्छा तो जी देखते हैं साहब का तजर्बा जी। ओ देखे जी जो हमने बात की जी, अगर साहब तजर्बा एक आलू भी नहीं पड़ा और पूरे पूरा जो है वजन हुआ। ये देखे 5 किलो जो है पूरा वजन हुआ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चल समर भाई जल्दी जल्दी कर यार, टाइम बहुत हो गया, खरबूजा डाल इसके अंदर। भाई साहब बोल रहे हैं कि गरम दाना कोई नहीं डालना, सकर सकर दाने दाने डालने हैं। अच्छा तो जी भाई साहब से सामान ले लिया ठीक है जी। भाई साहब ठीक है भाई साहब, अल्लाह खरबूजा भी ले लिया जी थोड़े में। भाई ये समर भाई जो है अभी मुर्गी साफ कर रहे हैं। वीर भाई ये मुर्गी साफ हो रही है, ये देखें जी किधर है ये चिकनी चिकनी बोटी। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी करो, लेट पहले बहुत ज्यादा हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का भी ज्यादा ले आए हम जी। देखो जी माशाल्लाह देख चढ़ गई है ऊपर, वाह जी वाह, ये भी तड़का लगाया जा रहा है अभी ये माशाल्लाह भाई जान है जी। जल्दी करे काका जी, काका जी जल्दी करे। 10-20 सब्सक्राइब ले एकदम, वाह जी वाह बड़ी मर्जा करनी है यहां हमें। या तो जी तो ये चेक करें, ये गोश्त भी धो दिया और ये चावल पड़े हुए हैं इधर और ये प्याज को डाला हुआ है इसके अंदर ब्राउन करने के लिए। ये जी ये इधर कुकिंग शुरू हो गई है, हमारे इलाके के मशहूर तरीन कुक ये सामने इधर जी भाई बास बास साहब, ये वो उधर मैरिज हॉल है, क्या नाम है इसका जफीर भाई क्या नाम है? कसरे मदीना, कसरे मदीना मैरिज हॉल है, उधर काम करते हैं जी ये। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं ये जी। ये बास भाई के सेक्रेटरी तैयब भाई, ये भी अच्छे कुक हैं, ये थोड़ा सा काम सीख रहे हैं अभी, अभी थोड़ा सा बाकी है इनका काम, तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी से जल्दी काम सीख जाएंगे। ये जी ग्रेवी तैयार हो रही है इधर,
ये देखें पानी डाला हुआ है इसके अंदर और मसाला भी डाला हुआ है माशाल्लाह कलर अच्छा आ गया। ये मसाले डाल रहे हैं सारे, ये गरम मसाला डाल दिया इसके अंदर। अब जी डालेंगे मुर्गी इसके अंदर, चाइना सैलेड भी डाल रहे हैं ये देखेंगे। ये जी नमक डाला जा रहा है इसके अंदर, ये नमक, ये अचार डाल दिया इसके अंदर जी। ये देखें जी नाजरीन, ये कलर चेक करें, ये मुर्गी डाल दी इसके अंदर, ये देखें जी माशाल्लाह जी। ये ज़फीर भाई कड़छ चला रहे हैं इधर, ये देखें जी कुक बने हुए हैं खुद, घर में कोई पूछ रहा नहीं है, इधर आ गए कुक बन गए। ये जी रजा भाई आलू धो रहे हैं, ये देखें जी ये आलू धो रहे हैं रजा भाई। और हमारे नदीम भाई हैं ना जो, वो पाइप पकड़ के इधर खड़े हैं पानी डालने के लिए, ये देखें जी ये टॉप पे पानी डाल रहे हैं ये, ये चेक करें नदीम भाई, टोपी भी मशे से उठाई हुई है इसने। ये जी आलू डाल रहे हैं बास भाई, ये इसके अंदर आलू डाले जा रहे हैं। ज़फीर भाई बताएं, ये ज़फीर भाई बता नहीं रहे, वो उधर खड़े हैं ना दूर ज़रा, आवाज़ नहीं आ रही ज़फीर भाई को। ये जी मोहम्मद भाई और रजा भाई खीरे काट रहे हैं, ये देखें जी ये रजा भाई मोहम्मद भाई इधर देखें, ये जी हमारे मोहम्मद भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं यार, ये खीरे काट रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार काम किया उन्होंने, इससे पहले कोई काम नहीं किया। ये जी हमारे भाई आए हैं ज़हीर भाई बताएं, तो ये साथ हमारे दाऊद भाई हैं और ज़हीर भाई जी। ज़हीर भाई क्या करने हैं इधर जी? हम हमारा जो मकसद है दुनिया में आने का, वो लोगों को बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लेकर आया जाए। अल्लाह हमारे खालिक हैं भाई, अल्लाह हमारे मालिक हैं, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से कुछ ना ये होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। आमीन माशाल्लाह जी। सिलसिले में इसी मेहनत के सिलसिले में भाई निकले हैं, लोगों के दर बदर जा रहे हैं, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, गमी आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारी आज माँ जो ना वो शुक्र गई है माशाल्लाह, उधर माशाल्लाह 20 साथी तकरीबन माशाल्लाह, अभी गश्त करके आए हैं वहाँ से, बहुत साथी माशाल्लाह जुड़े हैं। तो आप समर भाई आपकी महबूतों का शुक्रिया, आपने कहा था इफ्तारी हमारी तरफ से कीजिए, अभी इफ्तारी लेने आए हैं माशाल्लाह। दाऊद भाई एक दो मिनट जो ना, आप दाऊद भाई आप भी बता दें। बस भाईजान ज़िंदगी का मकसद जैसे मौलाना साहब ने बताया, यही है कि अल्लाह के दीन की जो है ना, दीन के लिए हम इस्तेमाल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है कि अल्लाह का दीन हर कच्चे बच्चे कच्चे पक्के मकान में पहुँच के रहे, हम इंशाल्लाह ये हमारी जो है ना खुशकिस्मत इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक ने कामयाबी रखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर अमल करके। बेशक, तो ये हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है, अपनी फिक्र भी करें अपने अजीज़ों का रखी, बल्कि काफरों की फिक्र भी हमारे ज़िम्मे है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है, उन तक कलमे को पहुँचाना है। सबसे पहले अपनी अपनी ज़ात पे मेहनत है, फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों पर मेहनत है, फिर उन तक जाना है, इसके लिए जो है ना ये मेहनत है। इसमें सब हजरात से गुजारिश है कि वो भी अल्लाह के रास्ते में निकल कर जान माल वक्त लगाएं, ताकि अल्लाह के हुक्मों की जो अहमियत है, जो अजमत है, वो हमारे दिलों में ज़िंदा हो, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो, दुनिया से यकीन हटे, दुकानों से, बाज़ारों से, अस्पतालों से जो है हमारा यकीन जो है ना वो हट के अल्लाह की ज़ात पे यकीन बने। बेशक, ठीक है जी। फिर भाई क्या कर रहे हैं? ये पुदीना इधर से काट रहे हैं, ये देखें जी, ये देखें ये माशाल्लाह ताज़ा पुदीना, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये फिर भाई माइक पकड़े समर भाई, ये भी जो है ना पुदीना, वो बास भाई बोल रहे थे देख के ना डालना है, तो अभी ताज़ा पुदीना जो अपने इधर प्लाट में लगाया वो अभी तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको ग्राइंड करके बास भाई देख के ना डालेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा मजा आता है यार, ये इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है यार, ताज़ी स्मेल। व्यूअर्स मैं उधर से इधर आया हूँ स्मेल देख के, यानी कि स्मेल मुझे आ रही थी उधर, उधर से मैं आया हूँ, ताज़े का अपना ही मजा है माशाल्लाह। ये हमारा प्लाट चेक करें, ये जी इसमें हर किस्म के, हर किस्म के पौधे मिलेंगे, ये अंगूर लगे हुए, अंगूरों की रवेल है, ये देखें माशाल्लाह फल भी पड़ गया, आपको फल चेक करवाता हूँ, ये देखें अभी
ये देखें, ये देखें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, हर किस्म के फल के, कमाद भी लगाया हुआ है, उधर झूले लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, और इधर देख मान रही है, ये देखें जी, वो इधर चूज़े वगैरह रखे हुए हैं, ये देखें जी, ये देखें जी माशाल्लाह, इधर तोते रखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते, ये देखें, ये इसके अंदर तोते हैं, और इसके नीचे ये इसी पिंजरे के नीचे ये चूज़े भी रखे हुए हैं छोटे छोटे, वो जो छोटे चूज़े नहीं आते, वो देसी चूज़े, वो रखे हुए हैं। ये मोहम्मद भाई की जी, वो है क्या कहते हैं उसे, मोहम्मद भाई क्या कहते हैं उसे, ये मोहम्मद भाई का शौक है। ये इधर नीचे बतकें भी रखी हुई हैं, ये देखे जी, वो देखे सामने पैरट, पैरट दिखा दिए फिर भाई मैंने पहले, अंडे भी दिखाए नीचे गिरे, ये अंडे गिर गए हैं नीचे, ये देखें जी, ये अंडे भी गिर गए हैं, ये काका भाई, ये हमारे नदीम भाई बंद गोभी काट रहे हैं, ये देखें जी, और ये छोटे छोटे बच्चे, ये अब्दुल्ला भाई हमारे, वो बैदुल्ला भाई, बैदुल्ला साहेब, बैदुल्ला बहुत शैतान बच्चा है ये, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर तो निकला है काफ़ी प्यारा। ये अब थोड़ी देर के बाद चावल भी उबलने के लिए रख देंगे इधर, इसके अंदर डाले हैं आलू और मुर्गी। देखें जी नन्हे मुन्ने बच्चे ये खरबूजा रख रहे हैं सफरे के ऊपर, ये देखें, छोटा बच्चा कह रहा है मेरे लिए भी रखना, ये छोटा सा बच्चा, ये वाला ब्लैक सूट वाला, सफरे के ऊपर ये खरबूजा रखा जा रहा है और इसके ऊपर खजूर, ये देखिए जी सफरा सजा हुआ फल के साथ, ये तरबूजा है और खरबूजा और खजूर, माशाल्लाह जी, ये देखो समर भाई, ये देखो समर भाई लग गया सारा इधर, अभी इधर माशाल्लाह जी ये सारा, ये उधर बिरयानी का लगाएं, अभी मनीप भाई जो पानी बनाते हैं, ठीक है, हम बिरयानी का लगाते हैं, जाकर बिरयानी, ये देखें जी ये दम पे लगाए हुए चावल, वाइट चावल ये उतार दिए, पीछे ही हो, चेक करें, ये जी माशाल्लाह चावल, वाइट चावल तैयार हो गए हैं, अब जी तय लगने लगी है पतीले के अंदर, ये ग्रेवी पड़ी हुई है सालन, ये सालन लगेगा इसके नीचे, फिर इसके ऊपर वाइट वाइट चावल लगेंगे इसके ऊपर, ये जी तय लगने लगी, ये देखें जी ये देखें जी ये पहली तय, ये पहली तय लग गई है, ये जी माशाल्लाह, ये देखें जी ये केचप डाली जा रही है इसके ऊपर, ये देखें जी ये सलाद भी डाल दिया इन्होंने, ये देखें जी ये कलर डाला जा रहा है इसके ऊपर, जरदा रंग जिसे बोलते हैं, ये वाइट चावल डाले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी है, बाकी चेक करके बताएंगे कैसी लगी है हमें, आपको नहीं, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह तय वाली बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है बनके जी, ये देखें तय सारी लग गई है, ये जी जमात के लिए रोटी जा रही है, ये जहीद भाई लेके जा रहे हैं, आशकपुर जमात है आज हमारी गई हुई, उधर लेके जा रहे हैं साथियों के लिए खाना, समोसे भी रख लिए हैं, पकौड़े टिक्की सारा कुछ ले लिया है, फ्रूट वगैरह, अब चावल लेके जा रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सफरा बिल्कुल तैयार है, चावल डाले जा रहे हैं इसके अंदर भी माशाल्लाह, ये देखें ये हमारे भाई चावल डाल रहे हैं तैवों वाली ग्रेन, ये देखें जी नदीम भाई चावल डाल रहे हैं, ये देखें जी माशाल्लाह, इस सफरे के ऊपर चावल डाले जा रहे हैं, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रोला खुल गया, ये अफ्तारी अज़ान भी शुरू हो गई, ये बिलाल भाई, ये देखें हमारे सरदार भाई, ये देखें जी माशाल्लाह
अल्लाह ताला के फजल और करम से। यह आज की अफ्तारी के सारे बंदे ये देखें जी, माशाल्लाह आज की अफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में माशाल्लाह बच्चे बड़े सब आए हुए हैं। इधर हमारे मोहल्ले की मस्जिद है खुलफ़े राशिदीन, उसके अंदर अफ्तारी करवाते हैं हम जुम्मे के जुम्मे। माशाल्लाह आज चौथा जुम्मा है हमारा, अफ्तारी करवाइए चौथे जुम्मे की। माशाल्लाह आज तैमो वाली बिरयानी बनी थी, माशाल्लाह मज़े की बिरयानी, ये देखे जी बच्चे खा रहे हैं। देखें जी माशाल्लाह अफ्तारी के बाद ये मस्जिद की सफाई का काम जारी है। ये सारे साथी जो मस्जिद के माशाल्लाह इंतज़ामिया हैं वो सारे लगे हुए हैं इधर सफाई करने। माशाल्लाह जी अंबर भाई, रजा भाई और नदीम भाई इधर खड़े हैं। नदीम भाई काम चोर हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, ज़्यादा नहीं। माशाल्लाह जी जमात खड़ी है अंदर, ये देखें जी। और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक से कमेंट जरूर करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी ने अफ्तारी करनी हो तो दोबारा तशरीफ लाए, हर जुमे जुमे का अफ्तारी इधर करवा देना। जामे मस्जिद खुलफ़ाए राशिदीन में। चलो सब भाई तशरीफ ला लो। ओके जी मैं मसरूफ हूँ खाना खाने के। खाना खाने